एनी एनी प्लीज, मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। कल जो तुमने तमाशा लगवाए उसके बाद तुम्हारा जी नहीं भरा जो तुम फिर बात को लेकर बैठ रहे हो। मैं आपसे अकेले में बात करना चाह रहा था। मैंने देख लिया है कि फौजिया के साथ उमर चला गया है। जब भी आपसे ये बात कर रहा हूं, आप ये नहीं पूछेंगी कि मेरी तबीयत कैसी है, मेरा जख्म भरा या नहीं। नजर आ रहा है कि बिल्कुल ठीक हो। अगर जख्म का पूछना है ना तो मुझसे पूछो, जो तुमने सबके सामने मेरी बेइज्जती की। ये पूछो कि आपके जख्म भरे या नहीं। देखिए, आज नहीं तो कल मुझे आपको और दुनिया को अपनी फीलिंग्स तो बतानी थी ना। मैं कुछ भी छुप छुपा के करने का आदी नहीं हूं। देखो, मुझे तुम्हारी फीलिंग्स के साथ कुछ लेना देना नहीं है, और ना ही मुझे इस बात की फिक्र है कि तुम सबके सामने क्या करते हो क्या नहीं करते। वो सब मुझे अपने आप पर आ रहा है। मैं कितनी पागल हूं ना। मैं तुम्हारी हमदर्दियों को मुखलिस समझती रही, और तुमने क्या किया? तुमने सबके सामने मेरा तमाशा बना दिया, सबके सामने मेरे किरदार की धज्जियां उड़ा दी। तुम्हारे इस नजरिए की वजह से बाकी सब लोग भी एक बेवा को उसी नजर से देखेंगे। एनी, अगर आपको मेरी इस बात से तकलीफ पहुंची तो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं, लेकिन मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। गैर इरादी तौर पे मैं कब आपके लिए ये सब कुछ सोचने लगा मुझे पता ही नहीं चला। तमाशा तुमने शुरू किया तो इसे खत्म भी तुम करोगे। सिद्रा को फोन करो और उससे कहो कि तुम उससे शादी करना चाहते हो।